नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि क्या कोर्ट से आप बरी हो जाएंगे या मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है वो खारिज हो जाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के उद्गम के बारे में बताती है, और इसी प्रकार से हमारी जो मस्तिष्क रेखा होती है वो हमारे मन के विचारों के बारे में बताती है। हमारी हृदय रेखा हमारे प्रेम संबंधों के बारे में बताती है। आज का चैप्टर हमारा है, आज का विषय हमारा है कि क्या कोर्ट से आप जीत जाएंगे। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह का विषय है, और आपने देखा होगा कई लोगों के ऊपर सालों साल मुकदमे चलते हैं और उस मुकदमे से वो काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ संयोग आपके हाथों पर भी मिलता है कि अगर ऐसी चीजें हैं आपके हाथ में तो कितना भी वो लंबा मुकदमा चले, कितना भी वो लंबा समय तक खींचतान चले, लेकिन विजय आपकी अवश्य हो जाएगी। अगर आपके मंगल के क्षेत्र में, उच्च मंगल के क्षेत्र में अगर ऐसी आड़ी रेखाएं हो, ये आपको मुकदमे से विजय दिला देगी। अगर आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है तो आप उसमें विजय बन मिल जाएगी। और इसी प्रकार से एक रेखा और भी है, जैसे कि ये मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में एक क्रॉस बनता हो, ये क्रॉस बनता हो, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में एक क्रॉस बनता हो, और ये क्रॉस किसी रेखा को टच न करे, जैसे हमने इसमें चित्र में आपको दर्शाया हुआ है, ये ना तो मस्तिष्क रेखा को टच कर रही है रेखा, ना तो जीवन रेखा को टच कर रही है, सिर्फ क्रॉस का एक सिंबल बना हुआ है। और ये अगर सिंबल किसी रेखा को टच नहीं करती है तो ऐसे लोग जो कोर्ट में मुकदमा चलता है कितना भी लंबा समय चले, लेकिन विजय आपके पक्ष में आएगी, मुकदमा जीतेंगे आप। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।